हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था एक चीज़ मंगवाने के लिए। ये आप देख रहे हो, इसको कई लोग कहते हैं स्टेबलाइजर और कुछ लोग गिम्बल भी बोलते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था लेने की कि लेऊं या नहीं लेऊं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, हिलता है वीडियो बनाते टाइम। तो इस वजह से मैंने एट लास्ट काफ़ी सोच विचार करने के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब मैं इसको ले आया हूँ। ये देखिए आप, अब आप इसको मैं अनबॉक्स करता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के सामने ही अनबॉक्स करूं। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मैंने ये मंगाया है, तो आज मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूं। देखते हैं, मैंने भी आज तक देखा नहीं है किस तरह का होता है, क्या होता है, तो आज अभी देखते हैं हम दोनों ही मिलके। तो अभी देख लेते हैं, ये मैंने अमेजन से मंगाया है और ये अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास आया है, तो हम देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरे पास कटर है और इस कटर से मैं ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने इसको कट कर लिया है और इसके अंदर ये देखिए आप, इसके अंदर ये कुछ आया है और ये पैक भी ऐसे है कि हिलने से। ये दोस्तों, अब इसके अंदर तो ये यही है, इसको हटा देते हैं, हम अलग कर देते हैं ये, और अभी ये कहाँ से मिलेगा, इसको देखते हैं ये क्या है। इसके अंदर भी एक बॉक्स है, ये देख लीजिए, ये बॉक्स है और ये क्या है, ये गारंटी, वन वारंटी इन इंडिया, ये कुछ मैनुअल्स है और ये बिल है, इसके अंदर कुछ है ये हम देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक साल की वारंटी है और ये कुछ मैनुअल्स है, ये देखिए, शायद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, और ये भी मैनुअल है, इसके अंदर ये गिम्बल के बारे में दिया हुआ है, और ये सर्विस कार्ड, ये है देखिए आप, ये सर्विस कार्ड है और ये है बिल, ये आप देख सकते हैं बिल है ये इसका। ये तकरीबन मैंने 8,835 रुपये का मंगवाया ये, और 100 रुपये मैंने इसको अमेजन प्राइम के देखकर जल्दी से जल्दी मंगवाया है। तो ये आ गया, अब हमारा आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है बॉक्स, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स आया है। अभी जल्दी से देखते हैं कैसा है, क्या है, काफ़ी एक्साइटेड था मैं, जब तक ये आया नहीं, अभी भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो अभी देखते हैं, हम चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पिस्टल विस्टल या कोई राइफल जैसी पैक की हुई हो। मैं आर्मी में था तो आर्मी के अंदर कुछ वेपन्स होते थे ना बहुत कॉस्टली, वो कुछ इसी स्टाइल में पैक होते थे, तो वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ओके, तो अभी हम खोलते हैं, ये क्या भाई, थोड़ा टाइट भी है खोलने में, ये ओहो, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, और ये कुछ बटन्स है इसके साथ, और इसमें और क्या है, एक ये है, ये क्या है देखते हैं, और इसके अंदर ये लीड है। तो ये बॉक्स हो गया, अब आ गया हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये ओके, ये ट्राइपॉड लग रहा है मुझे, गुड, ओके, आई थिंक इस टाइप से, गुड, ओके, ये ट्राइपॉड है,
मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, फर्स्ट बार ही देख रहा हूँ, तो देख लेते हैं। ये ट्राइपॉड है और ये इसकी चार्जिंग केबल। ओके, तो ट्राइपॉड को ये इसको कैसे फिट करेंगे? ओके, हाँ ये नीचे देख सकते हैं आप, इस तरह से ये इस पे सेट हो जाएगा। और आई होप कि आज मैं अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़ पे लाइव आऊँगा रात 8 बजे, जैसा कि रोज आता हूँ। तो आज इसी से आके देखते हैं कैसा लगता है, क्या क्वालिटी में फ़र्क होता है क्या है। तो ये कुछ बटन्स हैं, इसके बारे में कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हो, देखिए आपने कई जगह देखा होगा, कई लोग इसे स्टेबलाइजर कहते हैं और कई लोग इसे गिम्बल कहते हैं। तो इसके अंदर, यहाँ इस सॉकेट के अंदर, यहाँ मोबाइल सेट हो जाता है। और उसके बाद इसको यहाँ इस बटन से, पावर बटन है इसका, यहाँ से चालू कर देते हैं। ये इसका जूम का है, जूम इन कर सकते हैं। और बाकी मुझे इतना ध्यान है नहीं, आज थोड़ा स्टडी करूँगा अभी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये था ट्राइपॉड। इस ट्राइपॉड को अभी हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। और अभी कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम ही हूँ मैं भी, आज ही पहली बार ही लगा रहा हूँ, देखते हैं। इसके अंदर इस तरह से इसको मोबाइल को लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर मोबाइल को, ये जो इसके सॉकेट है ब्रैकेट, इसके अंदर से मोबाइल को, ये देखो इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ये और ये डालते हैं ऐसे, थोड़ा ये मैंने डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे ये इस तरह से, तो ये यहाँ नीचे इस जगह आ गया, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको ये इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, ये जैसे मैंने इस सॉकेट से, यहाँ से ये इस तरह से था, मैंने इसको हटाया, ये यहाँ इस तरह से आ गया। अभी ये इस तरह, अब ये क्या है, बैलेंस नहीं है। देखिए आप, थोड़ा एक साइड से अप हो रहा है और ये आप देख सकते हैं, ये इसके पीछे ये एक नट है, ये इस नट को ढीला करेंगे, ये ढीला कर दिया मैंने। और थोड़ा सा इधर पुश कर दिया, अभी जैसे पुश किया मैंने, तो ये देखिए बैलेंस हो गया ये मोबाइल। अब यहाँ से इसको नट को टाइट कर देंगे, ये मैंने नट को टाइट कर दिया। अब यहाँ पर ये इस तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो दोस्तों ये है, जैसे अभी इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस का बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे इस मोबाइल को बिना इसमें लगाए हुए इसको ऑन नहीं करना है। जब ये मोबाइल इस तरह से टांग देंगे, उसके बाद ही इसको पावर प्लग को ऑन करना है। तो इसका पावर बटन है, जैसे मैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और मैंने ये चालू कर दिया। जैसे चालू किया, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, देखिए चालू हो गए। ओके, अभी इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, ये रेडी हो गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको मंगाने का मेरा खास मकसद ये था, कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मैं कई बार रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो सामने वाले को देखते हैं, तो हमारे हाथ में पड़ा पड़ा कई बार हमारा हाथ कांपने लग जाता है, हिल जाता है, जिसकी वजह से पूरा वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है, कुछ कुछ दिखने लग जाता है। तो अभी आप देखना इसके अंदर, ये देखिए, ये एक बार होल्ड कर दिया, ये मैं कहीं भी जाऊँ, जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने ये रख लिया और मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये मुझे फॉलो कर रहा है, ये आप देख सकते हो, ये जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे, मेरे को ही फॉलो कर रहा है, कहीं भी किसी भी साइड से जा रहा हूँ। अब इसके अंदर जैसे लॉक लॉक हो जाता है ये, जैसे ये बटन है यहाँ पर, इसको लॉक कर देंगे, जैसे हमने ये लॉक कर दिया। अब आप देखिए, मैं कहीं भी कितना भी नीचे करूँ, ये मुझे ही कर रहा है। ये देखिए, ये मैं कैसे भी कर दूँ, ये मुझे ही देख रहा है, ये देखिए, ये है ना, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ मुझे ही फॉलो कर रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसकी बहुत सी खूबियां हैं। साथ ही इसके अंदर, इसकी एक ऐप होती है, जिस ऐप के द्वारा ये चलता है, इसके अंदर काफ़ी फंक्शंस है। ये जूम इन जूम आउट का बटन है, तो अभी तक मैंने पूरा इसके बारे में जाना नहीं है, अभी मैं इसको सीखूंगा।
और फिर नेक्स्ट वीडियोज में इससे बनाऊंगा जिससे मेरी क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो बने रहें हमारे इस चैनल से, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए हमारा नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।